नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र आप सभी का प्रेरक कहानियों में स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारा भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। साथियों, आज मैं एक ऐसी कहानी फिर लेकर आया हूँ, दिल को छू लेने वाला वाक्या जो मेरे साथ घटित हुआ। मैं अपनी दुकान पर उस शराबी से खरीदे सामान के दाम को अपने कैलकुलेटर पर जोड़ ही रहा था कि उसने लड़खड़ाते जुबान से बोला, 737 रुपए। मुझे आश्चर्य हुआ, वो आधे होश में था और उसके लिए हुए छोटे मोटे सामान की संख्या लगभग 15 थी। उसके लिस्ट के आगे मैंने खुद के दाम जरूर जोड़ रखे थे, लेकिन मुझे कैलकुलेटर में जोड़ने में आसानी हो। पर सिर्फ 2 मिनट में उसने ये कैसे बिना कैलकुलेटर के अपने दिमाग में सब संख्या जोड़ कर कह दिया। उस पर वो एक शराबी, मुझे हंसी आ गई। मैंने एक बार फिर से दाम जोड़ा और देखा तो 737 ही निकला। इस आश्चर्य से निकलता कि एक लगभग 25 साल की बेहद आधुनिक लड़की आई और उस फटे हाल और बेतरतीब शराबी को गौर से देखने लगी। इस बात में भी मुझे आश्चर्य ही लगा कि उसमें ऐसी देखने वाली कौन सी बात है। वो शराबी बिना उसकी तरफ देखे बढ़ने ही वाला था कि लड़की ने कहा, आप मैथ वाले विष्णु सर है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? उस लड़की ने झुककर उस शराबी के पैर छू लिए। मैं राधिका हूँ सर, यही पास के झुग्गी में रहती थी और आपके ट्यूशन में पढ़ा करती थी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन आपने खुद का ये हाल क्या बना रखा है? सर, कितने दुबले हो गए हैं आप, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। वो अब उससे नजरें चुरा रहा था और हाथों में लिए शराब की बोतल भी। वो बिना कुछ बोले जाने लगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैम कुछ नहीं कहती, और सौरभ कहाँ है? उस शराबी की आंखों में आंसू उतर आए। वो दोनों नहीं रहे, अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा उन्हें। उस एक्सीडेंट का मंजर मेरी आंखों से जाता ही नहीं। नशे से उन लाल आंखों में मुझे एक पिता और एक पति का दर्द बहता नजर आया। लड़की ने उसे वहीं मेरे दुकान के आगे रखे बेंच पर बिठा लिया। आपको इस हाल में देखकर क्या वो खुश होंगे सर? जानती हूँ उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर क्या मैं आपकी बेटी जैसी नहीं हूँ? उस शराबी ने उस लड़की का हाथ झटक दिया। नहीं, इस दुनिया में अब कोई मेरा अपना नहीं है, और शराब के बोतल का ढक्कन खोलने लगा। इससे पहले कि मैं उसे अपने दुकान के सामने पीने से रोकता, जा रही हूँ सर, पर बहुत रो रहे होंगे वो दोनों आपको देखकर। वो सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि रोज आपको इस हाल में देखकर मरते होंगे। काश कि आप पहले की तरह मुझ जैसे बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाते, तो आपको उन बच्चों में आपका सौरभ और उनकी सफलताओं में आपकी पत्नी दिखती। लड़की मुश्किल से ही कुछ कदम गई थी कि राधिका, तुम मेरी बेटी जैसी नहीं, बेटी ही हो। वो लड़की मुस्कुराते हुए वापस आ रही थी और वह अपने हाथों में लिए शराब को वहीं जमीन पर उड़ेल रहा था। मैंने रोका नहीं, बह जाने दिया उस बुराई को और खुद के आंसू को भी। दोस्तों, जिंदगी में हमें कभी कभी ऐसे लोगों से भी हमदर्दी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जो कि वक्त की मार के मारे हैं। इन्हें बस एक साथ की जरूरत होती है और एक जादुई शब्द की, जो कि है मैं हूं ना। दोस्तों, ये वह जादुई शब्द है जो सांसों को संजीवनी देते हैं। आशा है आप मेरी इस छोटी सी मगर दिल को छू लेने वाली बात का मतलब समझ गए होंगे। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।